अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी इस बहन को ज़रूर याद रखें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि अगर कोई मसला, कोई परेशानी हो तो आप अपनी बहन से मदद हासिल कर सकते हैं। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, रिस्क का, रिस्क इंसान का क्यों कम कर दिया जाता है। पहले बहुत से लोगों की ज़मीनें हुआ करती थी, फसलें हुआ करती थी, हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से उनके घर में दूध की कमी नहीं होती थी, गायें भैंसें उनके जैसे जो माल, जैसे देखें अगर किसी के घर में गायें भैंसें होती थी या माल वगैरह होता था तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती ख़जाना होता था। तो जब वो जब कोई मतलब कि किसी के पास वाफर रिस्क होता था वो लोगों में तकसीम करते थे। गांव में आज भी इस तरह की रस्में हैं कि लोग अपने घर में से भी, जैसे सब्ज़ी हो तो किसी की सब्ज़ी किसी ने लगाई हो वो लोगों को तकसीम, उनका रिस्क बढ़ता है। तो जैसा कि आज मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगी, आपको पता है पहले जब वॉशरूम हुआ करते थे, ठीक है, जो बैतुल खला थे वो घर से काफ़ी दूर हुआ करते थे, ठीक है। तो लोग बहुत दूर तक जाकर तो अपने मतलब के वहाँ पर मतलब के वॉशरूम में कभी अपना हाथ तक नहीं धोते थे। आज घरों के अंदर ही, कमरों के अंदर वॉशरूम बना दिए गए, उधर ही हाथ धोते हैं, उधर ही मतलब कि आगे फिर खाना भी खा लेते हैं। तो इस चीज़ से अगर आपने अपने रिस्क को बढ़ाना है तो सबसे पहली जो उनसे ये बात है, इस चीज़ को ख़त्म करें। घर के अगर वॉशरूम में अगर आप हाथ, बेशक वो वॉशरूम है चाहे बाथरूम है, आप देखें एक वॉशरूम होता है जिसमें जैसे कंपोर्ड वगैरह या इस तरह की चीज़ें नहीं लगी होती, ठीक है, फ्लश वगैरह नहीं लगे होते। आप बस इस इधर बस ये देखें कि अगर इस तरह का कोई बाथरूम है जिसमें ये चीज़ें हैं और वहाँ पर उन्होंने वॉशरूम भी साथ ही अटैच किया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ पर हाथ कभी ना धोएं। मतलब कि खाना खाने से पहले आपने जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ वो करना है, खाना खाने से पहले वहाँ पर हाथ नहीं धोने आपने। रिस्क की कमी इसी वजह से हो रही होती है कि हम अच्छाई बुराई की तरफ गौर ही नहीं कर रहे होते। शयातीन के रहने की जगह वहाँ पर है जहाँ पर निजासत है। घर में अगर कूड़ा करकट भी है तो वो भी अपने घर से सारा निकालें, घर में जालें हैं तो उसको भी साफ़ करें, ठीक है, उससे भी रिस्क ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि जाले मकड़ी ये वीराना है, वीराना मांगती है, ये कहती है कि यहाँ से घर के मुकीम जो हैं वो चले जाएँ। आज रिज़्क का जो मैं आला तरीका आपको बताने लगी हूँ, यकीन माने ये आपको हैरान कर देगा, इतना इतना आला ये वजीफ़ा और अमल है कि अगर आप ये तरीके से कर लेते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि एक शख्स जिसके घर में पानी भी वो जो है पैसों को आता हो, पानी पीने के लिए भी जो है इस्तेमाल के लिए भी ना हो, यहाँ तक कि घर में एक अनाज का दाना ना हो, मैं कहती हूँ फ़कीर हो, ये एक ले लें मिसाल ले लें, तो बेशक उनके घर में रिज़्क की इतनी किल्लत हो कि वो एक टाइम का खाना भी बमुश्किल खा सकते हो, लेकिन ये अमल अगर वो करते हैं, ठीक है, तो फिर देखें कि उनकी तिजारत बड़े बड़े मुल्कों में होना शुरू हो जाएगी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल से। कारोबार इतना चलेगा कि आपकी सोच है, लोग इनके कारोबार में इस कदर मतवज्जा होंगे कि हाथों हाथ आपकी जितना जो भी चीज़ आपके पास आएगी हाथों हाथ सेल हुआ करेगी। सिर्फ एक छोटा सा आपने काम करना है, सुबह नमाज फजर, ठीक है, सुबह नमाज फजर के टाइम, सुबह के टाइम, ठीक है, सूरह अल काफिरूना, ठीक है, सूरह अल काफिरूना कुरान पाक की सूरह मुबारक है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सूरह मुबारक मिल जाएगी, ठीक है। और सूरह अल नस्र, सूरह अल नस्र, ये दो सूरतें मिलाकर पढ़नी है, मिलाकर पहले आपने पढ़नी है सूरह काफिरून, ठीक है, फिर उसके बाद आपने पढ़नी है सूरह अल नस्र, ठीक है, दोनों को आपने मिलाकर अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़नी है। लिख लें, गारंटी है इस बात की, आज से अगर ये अमल आप रात सुबह करते हैं फजर के टाइम तो लिख लें, आज का दिन लिखें, ठीक है, मेरी अपनी बहन की मुझे कसम है अपने रब की इस अमल पे, क्योंकि ये मैंने जिस जिस को दिया अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बड़ी बड़ी तजारत कर रहे हैं, और गुरबा गरीब इंतहाई घरों में काम करने वालियों को मैंने ये अमल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये जिसका मैं एक छोटा सा वाक्या सुनाती हूँ, मेरे अपने मदारिस की जो एक खातून थी बहुत गरीब थी, हस्बैंड उसके उनके फोत हो चुके थे, वो उन्हें हमने रखा हुआ था, तो वो मदारिस की सफाई करती थी। तो एक दिन वो बहुत परेशान थी, मेरे पास आई कि उनका जो जिस घर में वो रह रही थी वो रेंट का था, तो
उन्होंने मुझसे वैसे ही बात की। मैंने उनको ये अमल, बस एक औरत का मैं अमल आपको बता रही हूँ, मैंने उनको कहा कि ये अमल आप सिर्फ़ और सिर्फ 21 दिन से 40 दिन, इसमें कोई दिन का वो नहीं रखें, कोई टाइम की पकड़ी, सिर्फ फजर का टाइम है बस वो याद रखें, और इसमें दिन की कोई पकड़ नहीं, कोई दिन का हिसाब नहीं रखें, आप बस ये अमल करें। कुल काफिरूना, ठीक है, उसे सूरह काफिरूना भी कहते हैं और सूरह अल नस्र भी, दो सूरतें हैं ये छोटी। तो मैंने कहा आप ये पढ़ना शुरू कर, उन्हें पढ़नी तक नहीं आती थी, मैंने उनको पढ़ना सिखाया, ठीक है। वो सुबह के टाइम टूटी फूटी बेचारी वो पढ़ लेती थी, तो पढ़ना शुरू किया। 11 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी गाड़ी ली। 11 दिन बाद उन्होंने अपनी गाड़ी ली। किस तरह ली? कि जिस जगह, मतलब कि उनका कोई बेटा था वो ड्राइविंग करता था, तो अल्लाह ने उसके रिस्क में इतना इजाफा किया कि वो रेंट की चलाता था, उसकी अपनी गाड़ी अल्लाह पाक ने अता की, इतना रिस्क दिया, इतनी वाफरी दी। किराए के घर में उन्होंने किस्तों का घर लिया, किराए के घर से उन्होंने किस्तों का घर लिया, और यकीन माने किस्तों के घर में आज वो अपने घर में बैठी हैं, और आज वो इतनी अमीर हैं, कम से कम हमारे मदरसे में आज भी वो सफाई करती हैं। वो कहती हैं जिससे मुझे, जिस करम, जिस जगह से मुझे करम मिला है, जिस जगह से मुझे नवाजिश हुई, जिससे रहमत हुई है, जिन्होंने मुझे अमल बताया, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। आज वो कुरान पाक का तर्जमा पढ़ रही हैं, आज साल हो गया माशाल्लाह उनको। ये वाकया एक अजीब सा है, और ये उन्होंने कहा है कि लाइव कर दें, तो मैंने आज उनकी ये बात को लाइव किया। वैसे इस तरह हम आम नहीं बता सकते, क्योंकि अमलियात का राज होता है ना, तो अमलियात को राज रखना चाहिए। आपने सिर्फ 40 दिन 21 दिन के बाद आप ख़ुद देखिएगा, जिस मकसद के लिए, तजारत के लिए कर रहे हैं, अगर किसी की शॉप है उसके लिए कर रहे हैं, घर में कोई कारोबार, रिस्क की ख़त्म हो गई, किल्लत हो गई है, आप उसके लिए कर रहे हैं। गैब से रिज़्क के ख़जाने आते हैं, वफरी इतनी होती है कि आप हैरान और शशतर रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत है मेरे प्यारे बहन भाइयों। एक दफ़ा स्क्रीन पे भी मैं चला दूंगी, वैसे आप कुरान पाक की सूरतों को आराम से तलाश भी कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कुरान पाक की लिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाए। जज़ाकअल्लाह खैरा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन आपकी मदद करे, तो आप अपना नाम मदरसे में लिखवा सकते हैं, मैं हर जुमे के जुमे दुआ करवाती हूँ सबके लिए, तो आपके लिए भी करवा दूँगी। जज़ाकअल्लाह खैरा।